बलौदाबाजार में भाटापारा शहर थाना पुलिस ने यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर की डिजिटल करेंसी देने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। भाटापारा शहर पुलिस के मुताबिक प्रार्थी चेतन पटेल USDT यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर प्राप्त करने के लिए ऐप के माध्यम से ट्रेडर का नाम व नंबर व बैंक अकाउंट मिला, जिसमें पीड़ित ने 12,34,500 रुपए जमा कर दिया, लेकिन उसके बदले में पीड़िता को USDT करेंसी नहीं मिली। पीड़ित परेशान होकर मोबाइल नंबर के आधार पर बिलासपुर निवासी ट्रेडर विपुल शुक्ला को पैसे वापस करने को कहा तो उसने मना कर दिया, जिस पर पीड़ित चेतन ने पुलिस के साइबर क्राइम पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई और प्रार्थी के द्वारा भाटापारा के IDFC बैंक से ट्रांजेक्शन करने पर मामला शहर थाने में दर्ज कर विवेचना में लिया गया। तकनीकी आधार पर बिलासपुर से आरोपी विपुल शुक्ला को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 50,000 नगद जब्त किया गया। साथ ही ठगी की रकम से में से 11,00,000 ऑनलाइन पीड़ित के अकाउंट में डाले गए। बेसिकली मामला थाना भाटापारा शहर क्षेत्र का है, जहां इस मामले के प्रार्थी चेतन पटेल जो मूलतः महासमुंद के निवासी है, जो स्पॉट ट्रेडिंग का काम करते हैं और इनके द्वारा जो है बाइनांस एप्लीकेशन ऐप के माध्यम से जो है इंडियन करेंसी से जो है USDT जो डिजिटल करेंसी है इसमें एक्सचेंज का काम भी जो है इनके द्वारा किया जाता था और इनके द्वारा जो है 12,34,500 रुपए जो इंडियन करेंसी है उसे जो है डिजिटल करेंसी USDT में जो है एक्सचेंज करने के दौरान जो है हेल्प सेंटर के माध्यम से जो है इस मामले के जो आरोपी हैं विपुल शुक्ला उनसे जो है इनका परिचय हुआ और विपुल शुक्ला के द्वारा जो है इनको जो है 12,34,500 रुपए का जो है इंडियन करेंसी से जो है USDT अवेलेबल कराने की बात कहते हुए जो है अपने खाते में जो है 12,34,500 रुपए जो है लिया गया और इस मामले में प्रार्थी के खाते में जो है किसी प्रकार का जो है USDT भेजा नहीं गया और इस मामले पर जो है प्रार्थी चेतन पटेल के रिपोर्ट पर जो है महासमुंद में 420 ITC के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। मामला भाटापारा शहर क्षेत्र का होने से जो है मामले की डायरी जो है थाना भाटापारा शहर क्षेत्र में भेजा गया और इस मामले में मूल अपराध की कैदी करने के पश्चात जो है थाना प्रभारी भाटापारा शहर परिवेश तिवारी के नेतृत्व में अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया गया और मामले के जो आरोपी हैं विपुल शुक्ला उनके गिरफ्तारी हेतु जो है टीम थाना प्रभारी के नेतृत्व में रवाना किया गया था और उक्त टीम के द्वारा जो है विपुल शुक्ला को जो है पकड़कर जो है पूछताछ किया गया, जिसमें उसने जो है उक्त घटना को जो है तारीफ करना स्वीकार किया गया है और इस मामले में जो विपुल शुक्ला है उनकी ओर से जो है प्रार्थी चेतन पटेल के खाते में जो है 11,84,000 रुपए जो है वापस भेजा गया है।